एक मौके पे आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ हजरत उमर और अबू बकर आपस में मुलाकात हुई, एक दूसरे से पूछा कि आया कुछ खाने का मिला, नहीं मिला, फरमाया कि नहीं कुछ भी नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो अबू खुजैमा के पास चलते हैं। अबू खुजैमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जलीलुल कदर सहाबी और मुतमव्विल सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के साथ तशरीफ ले गए और अबू खुजैमा उस वक्त मौजूद नहीं थे। फिर तशरीफ लाए, फिदा का अभी व उम्मी, अपने माँ बाप आप पे कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। वो खाना लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाया, फिर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दोबारा कुछ चीजें उन्होंने पेश फरमाई, आपने तनावल फरमाई। अब आगे गौर कीजिएगा, जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू खुजैमा से फरमाया कि खिदमत के लिए कामकाज में हाथ बटाने के लिए कोई गुलाम है? अबू खुजैमा ने फरमाया कि नहीं हजरत, कोई गुलाम नहीं है। फरमाया कि माल गनीमत आया हुआ है, उसमें गुलाम मौजूद हैं, किसी वक्त आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें गुलाम देता हूं। ये हैं पैगंबर और नबी। कि एक तरफ बशरियत देखिए, कई अय्याम से कुछ खाने का नहीं, अबू खुजैमा के यहां तशरीफ लाए और खाना तनावल फरमाया, और दूसरी तरफ इंसानों की तकसीम फरमा रहे हैं और गुलाम तकसीम कर रहे हैं। ये होता है मकाम, खाने पीने से कुछ नहीं है, हां इंसानों के दिलों पे बादशाहत और इंसानों पे बादशाहत ये अल्लाह ताला दीन वालों को अता फरमाते हैं। अबू खुजैमा तशरीफ ले गए गुलाम के हुसूल के लिए, पैगंबर का दावत थी, इसको कबूल न करना कैसे हो सकता था। चंद गुलाम मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें से जो पसंद आ रहा है वो ले लो। अबू खुजैमा ने फरमाया हजरत आप बताइए कौन सा गुलाम लें। फरमाया इनमें से जो फलां है इसको मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा है, ये नेक है, इसको ले लो, ये शरीफ आदमी है और आपकी अच्छी खिदमत करेगा। हजरत अबू खुजैमा वो लेके घर तशरीफ ले आए। घर वालों ने कहा कि पैगंबर का दिया हुआ गुलाम है और पैगंबर ने फरमाया कि नेक आदमी है, इसको हम अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं, इसको आजाद कर दो। अबू खुजैमा ने आजाद कर दिए। ये होती है इस्लाम की बरकात कि सबका भला भी हो गया, सबके खैर भी हो गई और अल्लाह ताला ने कितना कितना अजर भी अता फरमा दिया।